अब्दुल्ला बिन सबा 7वीं सदी ईस्वी की इस्लामी तारीख का एक किरदार है। अब्दुल्ला बिन सबा पहले यहूदी था, बाद में बज़ाहिर मुसलमान हो गया। इसने दूसरे मुनाफिकीन के साथ मिलकर 9 मुस्लिमों को फरेब देकर इस्लाम के मिटाए हुए ख़ानदानी इम्तियाज़ और नस्ली असबियत को तालीम इस्लामिया और मकासाद ईमानिया के मुकाबले में फिर जिंदा किया। अब्दुल्ला बिन सबा ने मदीना, बसरा, कूफा, दमिश्क और कायरा के तमाम मरकजी शहरों में थोड़े थोड़े दिनों क़याम करके हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों के खिलाफ नहायत चालाकी, होशियारी और शरारत से हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हों के अकदार खिलाफत होने को 9 मुस्लिम लोगों में इशाअत देकर बनी उमिया और बनी हाशिम की पुरानी अदावत और आसबियत को जो मुर्दा हो चुकी थी फिर जिंदा करने की कोशिश की। अब्दुल्ला बिन सबा ने सबसे पहले मदीना मुनवरा यानी दारुल खिलाफा में अपने शर अंगेज ख्यालात की इशाअत करनी चाही, मगर चूंकि यहाँ सहाबा कराम की कसरत और इनका असर गालिब था लिहाजा इसको नाकामी हुई और खुद हाशमियों ने ही इसके हालात को सबसे ज्यादा मलऊन और मरदूद करार दिया। मदीना से मायूस होकर वो बसरा पहुंचा। वहां इराकी और ईरानी कबाइल के 9 मुस्लिमों में इसने कामयाबी हासिल की और अपनी हम ख्याल एक जमात बनाकर कूफा पहुंचा। इस फौजी छावनी में भी हर किस्म के लोग मौजूद थे। यहाँ भी वो अपने हस्बे मनशा एक मुफसद जमात बनाने में कामयाब हुआ। कूफा से दमिश्क पहुंचा, वहां भी इसने थोड़ी सी शरारत फैलाई, लेकिन अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो हाकिम शाम के बरवक्त मुतला होने से ज्यादा दिनों तक क्याम ना कर सका। वहां से कायरा पहुंचकर इसने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बसरा और कायरा के फसादी अनासिर ने मिलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच किया और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाकया जहूर में आया। इस फितना ने 30 हिजरी से 40 हिजरी तक मुसलमानों को खाना जंगी में मसरूफ रखकर इस्लाम की तबलीगो अशात के काम को नुकसान पहुंचाया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 41 हिजरी में इस तफरी को तशद्दुद के बद नतायज महसूस करके अब्दुल्ला बिन सबा और इसके साथियों का पैदा करदा फितने का बड़ी हिम्मत और बहादुरी से खात्मा किया और उम्मत मुस्लिमा फिर से एक मरकज से वाबस्ता हो गई। अब्दुल्ला बिन सबा के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये एक शख्स था जिसने हजरत अली की खुदाई का दावा किया, जिस पर हजरत अली ने इसे जिंदा जला दिया।